This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. A18 खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन अदाद व शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 408,323 नए पॉजिटिव केस दर्ज होने और 3,464 कोविड मुतासरीन की अमवात होने की इत्तला दी। 30 अप्रैल को हिंदुस्तान एक ही दिन में 400,000 से ज़्यादा कोविड इन्फेक्शन केसेस रजिस्टर करने वाला पहला मुल्क बन गया। डायरेक्टर महकमाए सेहत हुकूमत तेलंगाना के खसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक रियासत तेलंगाना में अंदरून 24 घंटे कोविड इन्फेक्शन के 7,754 नए पॉजिटिव केस दर्ज होने और 51 मुतासरीन की कोविड से मौत होने की इत्तला दी। GHMC इलाकों में भी एक ही दिन में 1,507 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज वजारत सेहत का चार्ज लेने के बाद चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को रियासत में कोरोना में इजाफे के बारे में बहुत महतात रहने की दी हिदायत। उनसे दिन में 3 बार इस मामले पर नज़रसानी करने और सूरत हाल जाती तौर पर निगरानी करने को कहा। चीफ मिनिस्टर KCR ने चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हॉस्पिटल में इंजेक्शन जैसे रेमडेसिविर, वैक्सीन, ऑक्सीजन और बेड्स की दस्तियाबी में कोई परेशानी ना हो। वजीर आला KCR ने CMO की जानिब से कोरोना वबाई मर्ज की बाकायदा निगरानी के लिए अपने सेक्रेटरी राजशेखर रेड्डी को माउन किया और हिदायत दी कि महकमा सेहत और सेहत के तमाम आला अहदेदारों को हाई अलर्ट रहना चाहिए और रियासत को कोरोना से जल्द अज जल्द आज़ाद कराने के लिए मौसर अंदाज में काम करना चाहिए। तेलंगाना वजीर सेहत एटला राजेंद्र, जिन पर आर्जियात पर कब्जे के अल्जामात थे, उन्हें वजीर सेहत के ओहदे से खलमदान ले लिया गया और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वजारत सेहत का ओहदा संभाल लिया। यक्कू मेकू तेलंगाना के गवर्नर ने पोर्टफोलियो की मुंतकली की मंजूरी दे दी। साबिक वजीर सेहत एटला राजेंद्र ने एक नोट जारी करते हुए महकमा मेडिकल एंड हेल्थ का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने गुज़िश्ता 2 सालों से ख़ास तौर पर पिछले 395 दिन जब हम हर रोज़ बिना रुके काम करते थे। हुसैनी आलम पुलिस ने मोहम्मद इलियास नामी शख्स को नबी होने और लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। ओल्ड सिटी गाजीपुरा के रिहायशी मोहम्मद इलियास को हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के करीब पहुंचने के बाद हिरासत में ले लिया गया। शिकायत दरवेश सैयद आदम ने पुलिस को अपनी तहरीरी शिकायत में ये इल्ज़ाम लगाया है कि मोहम्मद इलियास और मोहम्मद हबीब अपने साथियों के साथ लोगों को ये दावा कर रहे हैं कि इलियास नबी है और लोगों को पयास तंजीम से जुड़कर अपनी मसलक की पैरवी करने पर मजबूर कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासती COVID-19 मरीजों के लिए मेडिकल किट्स की होम डिलीवरी मुहिम शुरू हो गई। होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड मरीजों को और दीगर अलामती अफराद के लिए 7.5 लाख के मौजूदा स्टॉक के अलावा 5 लाख मुफ्त मेडिकल किट्स फरहम करने का इंतजाम किया गया है। साफरान मताम अल अरबिक की जानिब से रमजान में रोजदारों के लिए पेश करते हैं रमजान स्पेशल हलीम, प्योर मटन 4 गोशा असली घी में तरबतर ड्राई फ्रूट्स के साथ जायकेदार हलीम।